गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। सो दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं एप्लाइड केमिस्ट्री, और एप्लाइड केमिस्ट्री में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में दोस्तों मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बेसिक चीज़ें बता चुका था, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं इस पर भी मैं एक लेक्चर आप लोगों को दे चुका हूँ, ठीक ना। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है ना। अलग अलग मैंने उनका एटॉमिक नंबर भी आपको निकालना बताया था एक मैजिक नंबर की हेल्प से, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने वो चीज़ें नहीं देखी हैं, कुछ मैंने पॉइंट्स भी आपको जो है नोटेड पॉइंट आपको दिखाए हुए थे, तो आई होप आपने वो भी नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो इतनी बातें थी दोस्तों हम लोगों की एस ब्लॉक एलिमेंट से, और यही बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि दोस्तों एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, चाहे डी हो एफ हो, इन सभी एलिमेंट्स से रिलेटेड आपके ज़्यादा क्वेश्चंस कुछ भी नहीं आते, इस ब्लॉक के बारे में आपसे पूछा जाता है। जैसे एस ब्लॉक है तो एस ब्लॉक के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी आपके एग्जाम में। यानी एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड आपको 10 से 12 पॉइंट्स पता होने चाहिए, पी ब्लॉक एलिमेंट से तो उससे रिलेटेड आपको 10 से 12 पॉइंट्स पता होने चाहिए। यानी एक टिप्पणी लिखने के लिए आती है, ठीक है ना, समझते हैं ना, एक जैसे निबंध टाइप का होता है ना, उसी तरीके का आपको लिखना होता है एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। और जितने अदर क्वेश्चन बनेंगे, आपका परमाणु आकार क्या होता है, ठीक है ना, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, तो वो हमारा जब एस ब्लॉक पी डी और एफ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल तो आप सभी लोगों ने देखी ही होगी, ये होती है आप लोगों की पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में ये जो आपके एलिमेंट्स है, ये देखिए यहाँ से ये आपका बोरॉन से लेकर यहाँ नीचे ये सारे, और ये जो सारे एलिमेंट्स हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो पहले तो आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है ना, कि ये इस तरीके से कैसे एलिमेंट्स रखे जाते हैं, ठीक है ना। मैंने ट्रिक भी बताई थी, बैगन आलू गाजर इन थैला कहे शिव जी सुनो प्रभु नाना पाटेलकर ऐश्वर राय सब बिंदास, ठीक ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो फिर कल बाहर आई एंटी हीनी अरकर जीरो पर रन आउट। इस तरीके की ट्रिक से मैंने आपको सारे लर्न कराए हुए हैं, वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, वो आपको अप्लाइड केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसके स्टार्टिंग में दूसरा या तीसरा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आपको ये सारे एलिमेंट्स बनाना आना चाहिए। तो एक टॉपिक तो यही हो जाता है, एक छोटा सा पॉइंट, कि जब आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में लिखने के लिए आता है तो ये सारे एलिमेंट्स आप इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, आपके काफ़ी नंबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं। यानी कि अगर आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाना आता है तो एग्जामिनर ये समझेगा कि कम से कम आपको बहुत सारी चीज़ें जो होंगी इसके बारे में पता होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सारे एलिमेंट्स लिख देने होते हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखना होता है दोस्तों, कि जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स है कौन मेटल होता है कौन नॉन मेटल होता है, ठीक ना, ये सारी चीज़ें। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, जब मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट्स बताया था। पी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरता है, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भरेगा, पी कक्षक में भरेगा, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कह देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ पी कक्षक में भरता है। आगे ये इनका दोस्तों इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP126, तो ये आपको याद रखना होता है, सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है। एस का क्या था, एस का था आपका NS1C2, ठीक है ना, तो वो भी आपको आई होप याद होगा, ठीक है। अब चलिए मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ बोरॉन से लेकर के, देखिए यहाँ बोरॉन से और यहाँ एस्टाटाइन से लेकर के, इस तरीके से आप एक लाइन बना देंगे ये वाली। ये जो सारे के सारे ये डिब्बे में बंद हैं दोस्तों, ये आपके मेटलॉइड होते हैं, यानी उपधातु होते हैं। इनके जस्ट जो सारे ऊपर हैं आपके जो भी वो नॉन मेटल होंगे, और जो नीचे हैं वो आपके मेटल होते हैं। तो इतनी चीज़ आप लिख सकते हैं। अब इससे आपके इतने सारे पॉइंट्स बन जाते हैं दोस्तों आपके एग्ज़ाम में, कि आप आधी कॉपी फिल कर सकते हैं। देखना कैसे, आपको पता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरता है, पहला पॉइंट्स कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NH2NP126 होता है, ये आपका सेकंड पॉइंट बन गया। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 वर्ग में रखे गए हैं। कौन कौन सा, थर्ड ए से आपका 8th ए तक के जो एलिमेंट्स है वो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये आपका पॉइंट बन गया, ठीक है ना। आपका क्या हो गया, आप बोल सकते हैं थर्ड ए ग्रुप में आपका बोरॉन एलुमिनियम गैलियम, ठीक है ना, इस तरीके से आगे चल के इंडियम आपका, ठीक है ना, थैलियम हो गया, और भी जो आपके एलिमेंट्स है वो आप अलग अलग करके भी डिफाइन कर सकते हैं, कि थर्ड ए में इतने एलिमेंट्स हैं, फोर्थ ए में इतने हैं, फिफ्थ में इतने हैं, ठीक है ना, सिक्स्थ में इतने हैं। अब जो थर्ड है उसमें जो आपका बोरॉन है वो आप कह सकते हैं उपधातु है, क्योंकि मैंने बता दिया कि इस डिब्बे के अंदर जितने बंद हैं वो मेटलॉइड है, नीचे मेटल ऊपर मेटलॉइड, सॉरी नॉन मेटल, ठीक है ना, बीच का मेटलॉइड
यानी कि उपधातु, नीचे का मेटल और ऊपर का नॉन मेटल, ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि जो थर्ड ए ग्रुप है उसमें आपका जो बोरॉन है वो उपधातु है और नीचे के सभी आपके मेटल हैं, एक पॉइंट यहाँ से बन गया। फोर्थ में आप लिख सकते हैं कि जो सिलिकॉन है वो आपका उपधातु है, कार्बन आपका अधातु है और नीचे जितने सारे हैं वो आपके धातु है। इसी तरीके से अलग अलग करके इनका डिफाइन कर दीजिए, ठीक है ना। और एक पॉइंट कॉमन होता है कि आप अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आपका परमाणु आकार बढ़ता है, जबकि आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु आकार आपका घटता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ये हम पढ़ेंगे जब हमारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और ए ब्लॉक, चारों ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ आप नोट कर लेना, ठीक है ना। नीचे जब जाते हैं वर्ग में तो आपका परमाणु आकार क्या होता है, आपका बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपके कोषों की संख्या बढ़ती है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। और जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु आकार घटता है, ठीक है ना, ये आप नोट कर लीजिए। अब रीज़न भी आपको बताएंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। और फिर आपको दोस्तों इनका जो है हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक आपको लिखना होता है। तो परमाणु क्रमांक लिखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आप ऊपर ऊपर का सभी का क्या करिए, आप जो है परमाणु क्रमांक याद करिए, जैसे बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। उसके बाद ये रहा आपका मैजिक नंबर, जादुई आपकी संख्या, बस इसको आप जोड़ दीजिए, बस कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे बोरोन का 5 है, एल्यूमिनियम का निकालना है तो उसमें 8 जोड़ दीजिए, 13 आ गया, 13 में फिर 18 जोड़ दीजिए तो आपका इतना हो जाएगा 31, ठीक है ना। और गैलियम का आ गया, इसमें 31 में 18 जोड़ा तो 49 आ गया, 49 में 32 जोड़ा तो आपका 81 आ गया, यानी टाइटेनियम का आ गया। इस तरीके से कार्बन का 6 होता है, 6 में जब आप लोग फिर 8 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 में फिर 18 जोड़ लेना, जो आए वो लिख लेना, फिर उसमें 18 जोड़ देना तो आपका 32, फिर आगे जोड़ देना। इस तरीके से सभी का आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अलग अलग इनका जो है एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें आपकी हैं। और एक पॉइंट लिखना बिल्कुल मत भूलना कि जो आपका 18वां वर्ग है ये वाला, वो आपका इनर्ट गैस है, इसका वर्ग है। इसमें सारी की सारी आपकी क्या है, अक्रिय धातु रखी है, ठीक है ना, निष्क्रिय धातु रखी है, जो क्रिया नहीं करती, वो सारी आपकी क्या है, यहाँ पे गैसेज रखी हुई हैं। हीलियम है, नियॉन है, आपका आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जीनान हो गया और ये रेडान हो गया। तो ये आप साफ जो है लिख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो आपका क्या होता है, अष्टक पूर्ण भरा होता है, ठीक है ना, पूर्ण रूप से इनका जो आपका अष्टक है वो भरा होता है, इसलिए क्या करती है, रिएक्शन नहीं करती, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को दोस्तों क्या है, लिखनी होती हैं पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड। अब जितने सारे पॉइंट्स मैंने बोले हुए हैं वो शायद यहाँ नीचे नोटेड होंगे, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्या कर लेना, नोट कर लेना। और ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो आप इसकी बुक रीडिंग करिएगा, बुक में ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा। तो ये सब आपको लिखना होगा दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना, यही सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। हालांकि अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स पूछा है तो कम से कम आपको दोस्तों एलिमेंट्स के बारे में तो पता ही होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है ना। और चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों अब हमें डिस्कस करना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो थर्ड बी से आपके ये सेकंड बी, या मैं कहूँ आपका वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे, ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना, ग्रीन कलर का, ठीक है, इस तरीके से ये लैंथेनम को छोड़ करके। हालांकि ये भी आपका इसी ग्रुप का है लेकिन ये कलर दूसरा है, ठीक है ना। तो ये सारे जो एलिमेंट्स आपके हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि इनका जो इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो आपका कहाँ भरेगा, डी कक्षक में भरेगा। तो ये पहला पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है ना, इस तरीके से। दूसरा, आपका वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के जो आपके एलिमेंट्स हैं वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का जो सूत्र होता है वो ये होता है N-1d1-10nS02, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, इस वर्ग का सामान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये आप नोट कर लेना, ठीक है ना, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें ये हैं कि आपको एलिमेंट्स याद करना पड़ेगा, मैं सबकी ट्रिक बता चुका हूँ, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेंको नहीं CUZN, ठीक है ना, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा, ठीक है ना, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी, ठीक है ना। इस तरीके से सारी ट्रिक्स मैं बता चुका हूँ जिससे आप बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से।
तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको खुद से पढ़नी होगी, कुछ रीडिंग्स आपको करनी होगी, ठीक है ना, बुक से, ठीक है, सारी चीज़ें ये आपको बुक्स में मिल जाएंगी, ठीक है ना, बस आपको बुक्स रीडिंग करनी है, मैं आपको समझाता जाता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप समझ लेना। इसके बाद दोस्तों इसमें आपके आता है संक्रमण तत्व, ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेशन मैं आपको शो कर दूंगा, आप नोट कर लेना, लेकिन पहले समझिएगा कि जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होता है, ठीक है ना, कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि संक्रमण तत्व होते हैं, ऑप्शन में पूछ लिया कि संक्रमण तत्व होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन क्या रहेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना, तो यहाँ से एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है अगर आ जाता है तो। चलिए अब सुनिएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन। तो दोस्तों ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो हम क्या बोलेंगे, वे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनका दोस्तों उपांतिम डी कक्षक यानी अंत से पहले, उपांतिम अंत से पहले जो डी कक्षक होता है दोस्तों वो आधा भरा होता है यानी अपूर्ण रूप से भरा होता है, ठीक है ना, तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी दोस्तों क्लासीफाई किया गया है आपकी तीन सीरीज़ में, ठीक है ना, आपका ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड और ये आपका थर्ड। अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे दोस्तों कि वे डी ब्लॉक एलिमेंट्स और आपका यहाँ से आ जाएगा आपका चौथा आवर्त आ जाएगा, यानी चौथे आवर्त की, ठीक है ना, जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स आएंगे। पाँचवें आवर्त के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स सीरीज में आएंगे। जो आपका छठवां आवर्त होगा उसमें आपका क्या होगा, तीसरे जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स सीरीज है वो आपकी आ जाएगी। बस आपको अगर जैसे मान लीजिए फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पूछा है तो आपको एलिमेंट्स के नाम पता होना चाहिए, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेंको नहीं कॉपर जस्ता, इस तरीके से ये आप क्या करेंगे, सारे के सारे क्या करेंगे, आप एलिमेंट्स लिखेंगे। सेकंड आता है तो इस तरीके से लिखना है और उसका ये फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, ज़रूर उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं थ्योरी आपके सामने शो कर देता हूँ, तो थ्योरी आप नोट कर लीजिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको ये बनाना तो आना ही चाहिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है वो आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों अब मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो नोट कर लीजिएगा, देखिए ये हैं आपके दोस्तों डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें आपको ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, लिखना आना चाहिए, इस तरीके से आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये है इसकी डेफिनेशन, वे एलिमेंट्स जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, और उसमें फिर मैंने बताया था संक्रमण तत्व क्या होता है यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं और वे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनका उपांतिम डी कक्षक क्या होता है, अपूर्ण रूप से भरा होता है यानी पूरा नहीं भरा होता है, वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ns1c2n-1d1c9 होता है। d1c9 क्यों है, क्योंकि ये आधा भरा है यानी मतलब पूरा नहीं भरा है तभी ये 1 से 9 आया है, नहीं तो वैसे तो आपका 1 से 10 होता है, ठीक है ना, तो ये समझ लीजिए आप लोग। चलिए अब इसको वर्गीकृत भी किया गया है, उसने क्लासीफाई भी किया है संक्रमण तत्व को, तो तीन सीरीज है आपका, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है ना, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की ये डेफिनेशन है, आप लोग नोट कर सकते हैं इतना सारा, ठीक है ना। तो फोर्थ पीरियड की जो सभी एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं, मैं आपको दिखा भी चुका था जस्ट अभी, ठीक है ना, तो ये आप सारा नोट कर लेना इतना। और ये है वो सारे आपके एलिमेंट्स देखिए जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपके आते हैं, बस जेड एन को छोड़ करके, लास्ट के आपको छोड़ देना होता है जेड एन हो गया, आगे जो आपका सेकंड सीरीज आएगा उसमें भी मैं एक एलिमेंट्स बताऊंगा तो वो भी आप छोड़ देना, ठीक है ना, इस तरीके से। सपोज मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आपकी ये इस तरीके से दोस्तों डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, आपको ये जेड एन छोड़ना, ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये एलिमेंट्स आपको क्या करना है, छोड़ना है लास्ट का, ठीक है, जो आपका 12वां वर्ग है इसके एलिमेंट्स को छोड़ना, ये आपके ट्रांजिशन सीरीज में नहीं आएंगे। चलिए तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में। तो ये दोस्तों आपका सेकंड ट्रांजिशन जो है सीरीज है, ठीक है ना, ये आपके फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, कौन से पीरियड यानी कौन सा आवर्त, पाँचवें आवर्त के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं। इनकी संख्या 10 है, कौन कौन है तो ये आप नेम इनके नोट कर सकते हैं, लास्ट का छोड़ देना है, लास्ट में यहाँ पे सी डी आएगा तो वो आपका छोड़ जाएगा, यहाँ से सी डी आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देखिए जिंक सी डी एच जी मरकरी, ठीक है ना, इस तरीके ये जो तीन एलिमेंट्स ये आपके ट्रांजिशन सीरीज में नहीं आएंगे, तो इनको आप एक एक करके छोड़ देना। फर्स्ट में हमने जेडन को छोड़ा था, सेकंड में यहाँ सी डी को छोड़ देंगे, और थर्ड में जो आपका मरकरी आएगा ये मरकरी को हम लोग यहाँ से छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से नोट कर लीजिए आप, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, इनका डेफिनेशन और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरीके से इनका नोट कर लीजिए, ठीक है ना।
तो ये था आपका दोस्तों कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इतनी चीज़ें आपको इसमें से पढ़नी थी, ठीक है। और डिटेलिंग में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग अपनी बुक से इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।